नाउ नेक्स्ट ही प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिलीट ऑपरेशन। इस केस में डिलीट क्या कराना है, एलिमेंट फ्रॉम अ एरे। प्रीवियस केसेस में जितने भी डिलीट से रिलेटेड ऑपरेशन डिस्कस किए थे सभी केस में डिलीट क्या करा था, आइदर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट और गिवन एलिमेंट और बिफोर गिवन और आफ्टर गिवन। लेकिन प्रीवियस केस में सारे केस में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराए थे विद रिस्पेक्ट टू गिवन एलिमेंट्स। लेकिन इस केस में गिवन एलिमेंट के प्लेस पर आपको गिवन क्या हुआ, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। मीन्स इस प्रोग्राम के थ्रू आपको डिलीट ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में कराना है, जस्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। वन मोर थिंग्स, इस केस में एरे के केस में फर्स्ट एरे के एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जीरो। जीरो क्या है इस केस में, जस्ट इंडेक्स। लेकिन अगर पोजीशंस की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन ऑलवेज काउंट होता है लॉजिकली एज वन, नॉट अ जीरो, क्लियर। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट का पोजीशन क्या हुआ, इज दिस द फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट लाइक दैट। इस पोजीशन हमेशा वन से काउंट करोगे जबकि इंडेक्स ऑलवेज जीरो से काउंट करेंगे। तो पोजीशन और अगर पोजीशन और इंडेक्स में रिलेशन की बात करें तो पोजीशन किसी भी एलिमेंट का ऑलवेज पोजीशन क्या हुआ, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट प्लस वन। चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट केस में इंडेक्स क्या है, जीरो, पोजीशन क्या है, वन, जीरो प्लस वन इज वन। इस स्टाइल से किसी भी, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स गिवन है तो इंडेक्स के बेसिस पर या इंडेक्स का यूज करके पोजीशन कैलकुलेट करना पॉसिबल सेम है। किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन गिवन है देन पोजीशन के बेस पर अगर आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ऑलवेज किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, पोजीशन माइनस वन, क्लियर। जस्ट इस केस में लॉजिक्स के बेसिस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इस सबसे बेस्ट केस क्या, प्रीवियस ऑपरेशंस के केस में पहले आप गिवन एलिमेंट का इंडेक्स सर्च करते थे देन आपके लिए शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल था। लेकिन इस केस में आपको सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना, क्या सर्च क्यों करते थे, जस्ट इंडेक्स सर्च कराने के लिए। लेकिन इस केस में आपके पास ऑलरेडी इनपुट में गिवन क्या हुआ, पोजीशन। अगर पोजीशन गिवन है देन पोजीशन के बेस पर इंडेक्स आपके लिए डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल है विदाउट परफॉर्मिंग सर्च ऑपरेशन। वन मोर केस, इस केस में इनपुट जब आप डिलीट फंक्शन को कॉल करोगे तो डिलीट फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या होंगे, एरे का बेस एड्रेस, मीन्स जैसे एरे के एलिमेंट के लिए ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, देन एरे का करेंट साइज एन। थर्ड एलिमेंट क्या पास करोगे, एलिमेंट आइटम और पोजीशन, जस्ट पोजीशन पी, क्लियर। लेकिन किसी भी एरे के रिस्पेक्ट में वैलिड पोजीशंस क्या होंगे, जैसे इसी केस में बात करें, इस एरे के केस में एरे का करंट साइज क्या, करंट साइज मीन नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स। करंटली एरे में टोटल 6 एलिमेंट अवेलेबल है, दिस इज द इनिशियल साइज। लेकिन पोजीशंस की बात करें तो इस केस में वैलिड पोजीशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 6। लास्ट एलिमेंट का पोजीशन ऑलवेज किसके इक्वल होगा, इक्वलेंट टू n। फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1। तो अगर आपको चेक करना, चेक द गिवन पोजीशन इज वैलिड और इनवैलिड, तो वैलिड पोजीशंस क्या होंगे, बिटवीन 1, 2, n, दीज आर वैलिड पोजीशंस। मीन्स पोजीशन हमेशा किस में लाई करेंगे, अंडर दी सबसेट, क्लियर। नेक्स्ट फाइंड यू ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अगेन डिलीट ऑपरेशन में प्रीवियस केस में आपको बताया था सबसे पहले आप चेक क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग। लेकिन इस केस में शिफ्टिंग की नीड नहीं, डायरेक्टली आप अप्लाई क्या कर सकते हो, सॉरी प्रीवियस केस में फर्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराया था, सर्च देन शिफ्टिंग। लेकिन इस केस में सर्च ऑपरेशन अप्लाई करने की नीड नहीं, डायरेक्टली परफॉर्म क्या करोगे, शिफ्टिंग ऑपरेशन। लेकिन शिफ्टिंग से पहले आपको चेक करना होगा डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो किस केस में ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे, किस केस में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल किस केस में नहीं होगा, सपोज दैट इफ एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है देन इस केस में डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल होंगे क्या, नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, इफ इनवैलिड पोजिशन इज, पोजिशन इज इनवैलिड, अगर पोजिशन का वैल्यू आपने इनवैलिड पास की, मीन्स वैलिड पोजिशन क्या है, 1, 2, n। अगर पोजिशन का वैल्यू 1 और n के बिटवीन में, इसके अलावा कोई भी अदर नंबर पास करते देन उस केस में भी डिलीट करना पॉसिबल नहीं हुआ, मीन्स एम्प्टी केस है तभी भी पोजिशन कैसा है, इनवैलिड। तो आपको एम्प्टी चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप चेक क्या करोगे, पोजिशंस और इनवैलिड पोजिशंस, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन से मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। अगर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए देन रिटर्न क्या कराएंगे, माइनस वन। रिटर्न टाइप वी आर टेकिंग एज इंटीजर, फंक्शन नेम इज डिलीट। देन आर्गुमेंट टाइप क्या, फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करोगे, एरे का बेस एड्रेस, एड्रेस के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, एरे डिक्लेरेशन और पॉइंटर डिक्लेरेशन, ये इटसेल्फ कन्वर्ट किस में जाएगा, पॉइंटर्स। नेक्स्ट केस सेकंड आर्गुमेंट में पास करेंगे करंट साइज ऑफ एरे एन। थर्ड आर्गुमेंट में पास क्या करोगे, जस्ट पोजीशन ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट, या पोजीशन से आपको गिवन क्या, पोजीशन और इंडेक्स, पोजीशन। अगर पोजीशन गिवन है देन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज क्या करेंगे, इंडेक्स क्या हुआ, आई मीन्स इंडेक्स रिक्वायर्ड है देन यूज क्या करोगे, पोजीशन माइनस वन।
नेक्स्ट बंदो, सबसे पहले इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल। वन मोर थिंग्स, इस केस में आपको डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स मैनेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडेक्स आप डायरेक्टली काउंट कर लो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पी। तो आपको इंडेक्स स्टोर कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करने की नीड नहीं होगी, सिंपली क्रिएट क्या करेंगे ओनली इटरेटिव वेरिएबल आई। देन डिलीट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको डायरेक्टली अप्लाई क्या करना है, शिफ्टिंग ऑपरेशन। लेकिन शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले जस्ट चेक क्या करोगे, वैलिड पोजिशन, मीन्स पोजिशन इज वैलिड और नॉट। वैलिड के केस में जस्ट इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ वैलिड क्या हुआ, वैलिड के केस में पोजिशन क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो, क्यों फर्स्ट पोजिशन क्या वन, इसका मतलब क्या, मीन्स पोजिशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड पोजिशन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन, दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऑफ पोजिशन। अगर आप इस प्लेस पर दूसरा अल्टरनेटिव क्या राइट कर सकते हो, पोजिशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, दोनों के मीनिंग कैसे हैं सेम। देन अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन उस केस में आपके लिए डिलीट ऑपरेशन से शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, देन उस केस में शिफ्ट ऑपरेशन पॉसिबल होंगे, नॉट पॉसिबल, देन उस केस में रिटर्न, एल्स के केस में रिटर्न क्या करा दोगे, एल्स। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, देन इसका मतलब पोजिशन कैसा है, इनवैलिड। इनवैलिड के केस में चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक को। एल्स ब्लॉक के केस में रिटर्न क्या कराओ, रिटर्न माइनस वन, क्लियर। नेक्स्ट वन, जस्ट इस केस में इफ कंडीशन के अंदर आपको अप्लाई क्या करना है, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल इस केस में पोजिशन मैंने प्रोवाइड किया, करंटली एरे का साइज क्या है, एरे कंटेनिंग सेवन एलिमेंट, सॉरी सिक्स एलिमेंट, एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, सिक्स, साइज क्या है सिक्स, पी पोजिशन मैंने पास किया जस्ट टू। इस केस में किसे इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट कराना, इस केस में सॉरी पोजिशन पास करना, पोजिशन में पास करना है थ्री, पोजिशन थ्री का एलिमेंट डिलीट कराना, पोजिशन में टॉप में काउंट किया वन टू थ्री, इसे थ्री। लेकिन जैसे एलिमेंट को आप डिलीट करने जा रहे हो, उसका इंडेक्स क्या है, थ्री माइनस वन, क्लियर। देन इस केस में आपको इंडेक्स सर्च करने की नीड नहीं, क्योंकि इंडेक्स आपका ऑलरेडी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पी डायरेक्टली। लेकिन जब इसे थर्टी को डिलीट करा दोगे, देन आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, डेटा शिफ्ट ऑप्शन, सारे सारे एलिमेंट शिफ्ट क्या होंगे अंदर लेफ्ट पोजिशन, क्लियर। और शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में वन मोर केस, शिफ्टिंग किस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, इस अगर आपको इस केस में जैसे लूप अप्लाई करोगे, लूप के केस में डायरेक्टली लूप स्टार्ट किस प्लेस होगा, जीरो इंडेक्स से और गिवन इंडेक्स से। गिवन इंडेक्स, इंडेक्स क्या है इस केस में, इंडेक्स इज इक्वल टू पी माइनस वन, आई इक्वल्स टू पी माइनस वन, जैसे जस्ट आपके पास इंडेक्स किस एलिमेंट का हुआ, जस्ट डिलीटेड आइटम, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल करेंटली इस केस में क्रिएट किया हुआ वेरिएबल आई, और p का वैल्यू जस्ट क्या पास हुआ रिसेंटली 3, तो i में क्या आसान हो गया, 3 माइनस वन इज 2, i का इनिशियल वैल्यू क्या है 2, मीन्स i इज रिप्रेजेंटिंग दैट एलिमेंट, पोजिशन 3 है लेकिन इंडेक्स क्या है 2, इस प्लेस पर फाउंड क्या हो रहा था इनिशियली 30, 30 को डिलीट करोगे तो 30 के प्लेस पर लॉजिकली प्लेस कैसा हो एम्प्टी, तो इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 40, 40 का इंडेक्स क्या है 3, तो इस केस में जस्ट 3 इंडेक्स का एलिमेंट मूव किस प्लेस पर हो जाएगा 2, सिमिलरली मीन्स इस प्लेस पर क्या जाएगा 40, देन अब 40 का लॉजिकली प्लेस कैसा है एम्प्टी, क्योंकि 40 ऑलरेडी लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। देन अगेन 40 के गैप को फिलअप करने के लिए जस्ट 40 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे 50, 50 का इंडेक्स क्या 4, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में साइन होगा 3rd, सिमिलरली जब 3rd इंडेक्स में 50 कॉपी हो जाएगा उसका 50 का करंट प्लेस कैसा हो जाएगा एम्प्टी, लॉजिकली एम्प्टी। देन इस गैप को अगेन फिलअप करने के लिए 60 लेफ्ट में शिफ्ट करा हुए और 60 का एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या 5, मूव किस इंडेक्स में होगा 4, तो फोर्थ इंडेक्स में आसान किया जाएगा 60, देन इस प्लेस को लॉजिकली कंसीडर करेंगे एज एम्प्टी, मीन से डिलीट करने के बाद सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट पोजिशन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन इस केस में जस्ट 2, इनिशियली आई का वैल्यू क्या अभी 2, ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है आई, देन जिस प्लेस को असाइन कराएंगे उसका इंडेक्स क्या हुआ आई प्लस 1, लेकिन ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म करा हुआ है, चेक करो i का लास्ट वैल्यू क्या है इस केस में 4 और करेंटली n का वैल्यू क्या है 6, तो शिफ्टिंग कब तक होंगे सेम एज प्रीवियस केस, इन दोनों में मीन्स कब तक परफॉर्म करा हो, जब तक i और n में डिफरेंस कितने का लास्ट वैल्यू में 6 माइनस 4 इज 2, तो इस केस में जस्ट कंडीशन क्या हो जाए, जब तक i का वैल्यू n माइनस 2 से या तो छोटा या इक्वल है, और इसका अल्टरनेटिव कंडीशन क्या है जस्ट इसी का i लेस देन n माइनस 1, तो इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे i लेस देन n माइनस वन एवरी टाइम i प्लस प्लस, आसान क्या कराएंगे a ऑफ i इक्वल्स टू शिफ्ट ऑपरेशन एग्जैक्टली कैसे सेम एज प्रीवियस केसेस, नथिंग न्यू, क्लियर। नेक्स्ट वन, फाइनली
इस केस में कंटिन्यू करते हैं अगेन, आई का वैल्यू क्या है 2 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन, क्योंकि पी का वैल्यू क्या था जस्ट 3, 3 माइनस 1 इज 2, आई वैल्यू बिकम्स 2, देन कंडीशन टेस्ट हुआ इस केस में, कंडीशन क्या है आई लेस देन एन माइनस 1 और एन का वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस 1 इज 5, जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा तब तक लूप एग्जीक्यूट हो, आई का करंट वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या हुआ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी होगा 2 में, जस्ट मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ प्रीवियस वैल्यूज के फॉर्म में, क्या था स्पेस पर 30, 40 एंड 50 क्लियर एंड 60 इन दैट केस, तो सबसे पहले परफॉर्म क्या हो रहा है थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट 2 में कॉपी हो, थर्ड इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है 40, 40 प्रीवियस प्लेस पर सेट होगा मीन्स 40 रिप्लेस किसको हो रहेगा 30 को, 30 का प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अगेन 3 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन अगेन आई के प्लेस पर क्या जाएगा 3 और आई प्लस 1 के प्लेस पर क्या है 3 प्लस 1 इज 4, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी के समय थर्ड में, फोर्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है 50, 50 इस प्लेस पर कॉपी हो जाएगा क्लियर, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 होने के बाद जस्ट कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन 5 कंडीशन स्टिल ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो देन नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या आएगा 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में फोर्थ में, 5 इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है 60 ना 50 रिप्लेस्ड बाई 60, जबकि 50 ऑलरेडी प्रीवियस प्लेस पर कॉपी हो चुका था, देन इसके बाद 60 भी कॉपी कर चुके तो 60 का प्लेस कैसा है एम्प्टी, मीन सारे एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कंडीशन टेस्ट करेंगे 5 लेस देन 5 कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल करना है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बाद जब कंट्रोल आएगा देन जस्ट लूप के बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है रिटर्न क्या करा हुआ है रिटर्न इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट, और डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स करंटली डिलीट कौन हुआ सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, और पी का वैल्यू क्या था जस्ट 3, पी का वैल्यू क्या पास किया 3, तो डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या हुआ पी माइनस 1, तो आप डायरेक्टली इस केस में रिटर्न क्या करा सकते हो पी माइनस 1 क्लियर, दिस इज द रिटर्न वैल्यू, मीन इस केस में जस्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किसके रिस्पेक्ट होना विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स और रिस्पेक्ट टू पोजिशन और रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, रिस्पेक्ट टू पोजिशन, नेक्स्ट वन जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे मेन फंक्शन, तो मेन के स्टेप्स कैसे सेम एज प्रीवियस प्रोग्राम नथिंग न्यू, मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन इस केस में माइनर चेंजेस होंगे बिकॉज प्रीवियस केस में ऑपरेशन आइटम के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हुए थे, इस केस में ऑपरेशन पोजिशन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए स्मॉल चेंजेस प्रोवाइड करने हैं, डिक्लेरेशन के बाद क्या रीडिंग इनपुट्स, इनपुट रीड करने का नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है जस्ट अप्लाइंग लॉजिक्स, लॉजिक्स अप्लाई करने का नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है जस्ट डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, क्लियर डिस्प्लेइंग रिजल्ट, फर्स्ट वन वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में बात करना तो मेन फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन क्या हुए एरे एंड करेंट साइज ऑफ एरे, एरे को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ ए विद मैक्सिमम साइज 10, देन एन, एन के अंदर स्टोर क्या हुआ इनिशियल साइज और करंट साइज ऑफ एरे, इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड हुआ एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल आई, नेक्स्ट इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या हुआ प्रीवियस केस में डिलीट करने के लिए इनपुट क्या रिक्वायर्ड था आइटम, लेकिन इसके साथ रिक्वायर्ड क्या हुआ पोजिशन, तो पोजिशन को कीबोर्ड से रीड करने के लिए कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करा हुआ इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें जब पी, टोटल मेन के अंदर कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है 4 वेरिएबल्स, प्रीवियस केस में लास्ट वेरिएबल क्या था आइटम, लेकिन इस केस में क्या जस्ट पी 4 वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप क्या है रीड ऑपरेशन, तो इनपुट्स में सबसे पहले रीड क्या करेंगे करंट साइज ऑफ एरे, करंट साइज किससे रिप्रेजेंट हुआ एन से क्लियर, नेक्स्ट टाइम रीड क्या करेंगे वैल्यू ऑफ एन, एक बार आपने एन का वैल्यू रीड कर लिया वट एवर 6 7 एनी थिंग्स, एन का वैल्यू रीड करने के जस्ट बाद देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा रीडिंग एन आइटम्स फॉर एरे, नेक्स्ट टाइम रीड क्या करो एलिमेंट्स फॉर एरे लाइक 10 20 30 40 वाट एवर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन, इस केस में जस्ट नेक्स्ट लॉजिक से परफॉर्म क्या रहा रीडिंग एलिमेंट्स फॉर एरे, रीड किसके थ्रू करा यूजिंग स्कैनएफ, लेकिन स्कैनएफ कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ एन टाइम्स, क्योंकि लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा एन टाइम्स, अगर एन का वैल्यू 6 है देन एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा 6 टाइम, देन वैल्यूज भी कितने एलिमेंट्स के लिए रीड ऑन 6 एलिमेंट क्लियर, देन इसके अलावा इनपुट में रीड क्या करना हो जैसे एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो उस एलिमेंट का आपको पोजीशन रीड करने की जरूरत होगी, नेक्स्ट टाइम जस्ट रीड क्या हो रहा है पोजीशन, पोजीशन किससे रिप्रेजेंट हुआ वेरिएबल पी, तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू भी किसका रीड किया है पोजिशन, मीन जस्ट आप प्रोग्राम को स्टेप्स में कन्वर्ट करने वाला लॉजिक स्पॉइल करोगे, आपके लिए सब कुछ ईजिली राइट डाउन करना पॉसिबल हो ईजिली समझना भी पॉसिबल है, नेक्स्ट वन
सारे सारे इनपुट रीड हो चुके थे ना, अप्लाई क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए लॉजिक ऑलरेडी किस फंक्शन में, डिलीट फंक्शन में, तो लॉजिक्स के प्लेस पर लॉजिक राइट डाउन करके डायरेक्टली इस प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, फंक्शन नेम है डिलीट बाई सप्लाइड बाई रिक्वायर्ड इनपुट्स। देन डिलीट के केस में रिटर्न क्या हुआ, टू वैल्यूज आइदर माइनस वन और इंडेक्स। क्लियर, अगर माइनस वन रिटर्न हुआ देन आपको इस केस में कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, मीन्स इसका मतलब कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ है। अगर ये डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म है तो प्रीवियस केस में एरे का साइज क्या था, 6, लेकिन डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एरे का साइज क्या है, जस्ट 5, तो उस केस में डिलीट ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं रिटर्न क्या होगा, सम इंडेक्स। इंडेक्स के केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, सब्ट्रैक्टिंग साइज ऑफ एरे वाई वन, तो एरे का साइज क्या 6, जब 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या जाएगी 5, करंटली एरे के अंदर एलिमेंट्स भी क्या है 5, तो उस केस में जस्ट नेक्स्ट केस में कॉल क्या हुआ है, डिलीट फंक्शन, और डिलीट फंक्शन का वैल्यू कंपेयर किससे किया, माइनस वन से। अगर डिलीट फंक्शन का रिटर्न वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं है देन इसका मतलब रिटर्न क्या हुआ, सम वैलिड इंडेक्स, और अगर वैलिड इंडेक्स रिटर्न हुआ देन उसके समय परफॉर्म क्या हो रहा है, एन माइनस माइनस, तो एन में सब्ट्रैक्शन हुआ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देन फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट परफॉर्म क्या हुए, रियल में ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म हुए, एरे के रिस्पेक्ट में। तो आपको जस्ट ऑपरेशन रियल में परफेक्टली परफॉर्म हुए वेरीफाई करने के लिए डिस्प्ले क्या करा हुआ, एलिमेंट ऑफ एरे टू चेक द डिलीटेड आइटम, एलिमेंट डिस्प्ले करा हुए। देन इस केस में सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले होंगे बाय यूजिंग फोर लूप और विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट। लास्ट केस में जस्ट डिस्प्ले कर रहा रिजल्ट, मीन्स इस पर्टिकुलर लॉजिक्स को फॉलो करके पोजिशन के बेसिस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है।